गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई वेलकम होगा अपने ब्लॉग के अंदर। तो भाई जैसे कि आप जानते हैं भाई, ये ब्लॉग है जो ये ब्लॉग दरगाह गैस पीर का है। जी हाँ, वही दरगाह गैस पीर जिसका नोटिस आया था लगभग आज से 2 महीने पहले कि दरगाह शरीफ यहाँ से हट जानी चाहिए, जो कि सरकार ने भेजा था, यानी कि जो दरगाह शरीफ यहाँ से हट जानी चाहिए। तो भाई मैं चलता हूँ दरगाह शरीफ पर और आपको दिखाऊँगा तुम्हारा क्या हाल है। दरगाह शरीफ हटी अब तक के नहीं हटी, तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो भाई चलते हैं दरगाह शरीफ पर, वीडियो लास्ट तक देखना। चलते हैं दरगाह शरीफ पर, जो वहाँ के जिम्मेदार है यानी कि 2-4 आदमी वहाँ पर जो रहते हैं, जो वहाँ की जिम्मेदारी रखते हैं, तो भाई उनसे पता करते हैं कि दरगाह शरीफ पर गया नहीं। तो भाई चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दरगाह शरीफ जो है, ये वही दरगाह है जिसका नोटिस आया था भाई दरगाह गैप पीर का लगभग 2 महीने पहले। ये वही दरगाह है भाई जिसका नोटिस आया था यानी हटाने के लिए। तो भाई अब तक के दरगाह नहीं हटी है। मैं आपको खुशी के लिए बताऊँ कि दरगाह शरीफ नहीं हंसी है अब तक के भाई। तो भाई ये जो है बताया जा रहा है कि भाई ये जो नहर देख रहे हैं आप, ये नहर भाई नहर की नहर ज़मीनें बता रहे थे ये वाली दरगाह। तो भाई ये नहर में बता रहे थे दरगाह शरीफ दोस्तों, जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं भाई, मैं बता रहे हैं कि जो दरगाह शरीफ है यहाँ से लगभग 700 साल पुरानी दरगाह है, 700-750 साल पुरानी दरगाह है। और जो ये नहर देख रहे हैं आप भाई, ये नहर लगभग 200 साल पुरानी है, यानी कि ये नहर से 5 साल पहले बनी हुई ये दरगाह है और इसे हटाने के लिए बोल रहे थे। तो भाई इसमें बता दूँ भाई, क्योंकि ये दरगाह शरीफ नहीं हट रही है, जो इसके नोटिस था वो नोटिस फाड़ दिया गया है, यहाँ से नोटिस हटा दिया गया है। और जो दरगाह के कागज़ थे यानी जो इस दरगाह जिस पर तामीर हुई दरगाह है, दरगाह के कागज़ हैं बिल्कुल सेफ है, दरगाह के पास है, जो दरगाह की जिम्मेदार है उनके पास इसके कागज़ है भाई। तो भाई मैं लेकर चलता हूँ आपको दरगाह के अंदर से दिखाऊँगा भाई, यहाँ पर नोटिस लग रहा था वो नोटिस ही फाड़ दिया गया है, आपने पहली वीडियो में देखा होगा। आप देख सकते हैं भाई ये वो दरगाह है जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी। और भाई यहाँ पर आज के दिन भीड़ रहती है, क्योंकि आज के दिन भाई जुमा था और सभी जो लोग बाग यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर निकले जा चुके हैं, देख सकते हैं आप। और भाई अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, पहले आप दरगाह साहिब बाग में आइए, उसके बाद आप वजू कर यहाँ पर आ सकते हैं। ये दरगाह जो शरीफ है भाई, दरगाह शरीफ दोनों नहरों के बीच में है बिल्कुल, एक नहर दूसरी साइड है, एक नहर दूसरी साइड है, देख सकते हैं आप। ये दरगाह से कि मैंने आपको पहले बताया भाई, ये दरगाह लगभग 700 साल पुरानी है दरगाह, अब नहीं हट रही है। और ये जो नहर है भाई लगभग 200 साल पहले बनी थी नहर अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन ये जो दरगाह शरीफ है 700 साल पुरानी दरगाह है। आप देख सकते हैं भाई इस दरगाह को और उस नहर को, देख सकते हैं आप जो 200 साल पहले बनी थी। तो भाई फिलहाल माहौल पड़ा है बहुत ज़्यादा शांत, दुख भरा नज़ारा है, बहुत दुख भरा है। और दोस्तों भी बारिश पड़ी थी यहाँ पर 3-4 दिन पहले, यानी 3-4 दिन की बारिश हुई थी जो, और यहाँ पर ये दीवार गिर चुकी है, दरगाह शरीफ के पीछे की जो हिस्सा है वो गिर गया है, देख सकते हैं आप। ये भाई बारिश हुई थी ना, इसलिए मिट्टी बह गई यहाँ से और पेड़ भी गिर गए यहाँ पर और ये टूट गई दरगाह शरीफ, उधर मतलब पीछे वाला हिस्सा है वो गिर गया है। तो गाइस चलते हैं अब दरगाह के बाहर हम। तो गाइस आप कमेंट कर जरूर बताना कि दरगाह शरीफ हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि भाई दरगाह शरीफ नहीं हट रही है। तो गाइस चलते हैं नीचे की साइड, ये वो दरगाह पूरी कंप्लीट जो कि मैंने आपको अभी दिखाई है, दरगाह गैप पीर है भाई ये। और इधर जो देख सकते हैं यहाँ पर ये पुरान कलियर है अपना, यहाँ पर हम रहते हैं भाई, पूरा गांव है पुरान कलियर, और ये दरगाह भाई है और ये नहर है। तो गाइस आप कमेंट कर जरूर बताना कि दरगाह शरीफ हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए, और आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखते हैं आप ज़रूर बताना। तो गाइस खुशी की बात तो ये कि अब दरगाह शरीफ नहीं हट रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फिर पहले ब्लॉग को और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और भाई आपको जैसे ब्लॉग देखना पसंद है आप कमेंट कर बता दें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ब्लॉग लेकर आऊँगा यानी ब्लॉग बनाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर बहुत जल्दी। तो गाइस थैंक यू।